और ये देखो भाई चलती गाड़ी से नेड़। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका एक नई पबजी मोबाइल वीडियो में। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक पीसफुल कैंपर, एक सस्ता बीलेक लेजिट मतलब गेम एक्स प्रो, और हमारा ग्रेनेड का जुनून। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। और ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, तो आज मैं इसलिए थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो आज हम उतरे हैं मिल्टा पावर में, और मिल्टा पावर में उतरने के बाद में हमें मिलती है एक बैरल, और बैरल मिलने के बाद मिलते हैं दो नियतायन में या फिर चार नियतायन में, जिसमें कि एक तो मर जाता है और दूसरे को मिलती है सिर्फ एक मोली, और वो मोली से हमें मारने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले हम उसको मार देते हैं और उसके बाद में हम सिर्फ उसके टीम मेट्स को ढूंढते हैं, और जिसमें कि उसका एक टीम मेट यहाँ पर लूट ही रहा होता है और उसको भी हम लोग मार देते हैं। और इनके तीसरे बंदे को भी गन के नाम पर कुछ नहीं मिला होता और वो भी मर जाता है, और इसके बाद में सिर्फ हमारा एक ही मिशन होता है इनके चौथे बंदे को ढूंढना। और तभी हमारे एक टीममेट का कॉल आता है कि इनका चौथा बंदा जो है वो ऊपर है। अब हम तो नीचे घूम रहे हैं, वो पता नहीं ऊपर कब चढ़ गया, अब हम उसको भी मारेंगे। हम यहाँ पे डर डर के घूम रहे होते हैं कहीं कोई कैंपर इधर उधर से मार ना दे, और इनका जो चौथा बंदा है वो सबसे ऊपर आराम से टहल रहा है जैसे पार्क में आया हो। अब इसी गुस्से में हम ऊपर जाएंगे और उसको असली पार्क में घुमा देंगे। लेकिन चौथे बंदे को मारने के बाद में हमें पता चलता है कि ये उस टीम का नहीं किसी और टीम का। और अब हम आए हैं मिल्टा पावर के बाहर वाले कंपाउंड में, और यहाँ पे बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है जिसके बीच में हम लोग थर्ड पार्टी करने के लिए आए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ नज़र आता है जली हुई गाड़ी लेकर, लेकिन ये इतना ज़्यादा ढीठ होता है कि जैसे कि हम इसकी गाड़ी फोड़ देते हैं, और उसके बावजूद भी ये नहीं मरता और उसके बावजूद भी ये बच जाता, लेकिन हम भी इससे ज़्यादा ढीठ है और इसको मार के ही दम लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे हमारी अंतरात्मा कहती है कि यहाँ पे आसपास में कोई कैंपर है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। और अब वो अचानक से ही हमारे सामने आएगा, और अब ये देखिए कि कैंपर कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अब इससे भी बड़ा एक और कैंपर है जो कि अब आपको दिखने ही वाला है कुछ ही देर में। ये देखिए, ये एक ऐसा कैंपर है जो कि हमसे बगल में लेटा हुआ है, लेकिन हमें कुछ नहीं कहेगा। और हम यहाँ पर इस पेटी को लूटने के बाद में यहाँ पर हीलिंग हुलिंग सब कुछ कर लेंगे, और ये हमें कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन उसके बाद में हमें अचानक से दिखेगा। ये जो भाई साहब है यहाँ पे पीसफुल कैंपिंग कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन ये अचानक से जाते हैं और हमें हमारी केडी की याद आ जाती है, तो इसलिए हम इनको मार देते हैं। और अब इनका साथी भी पीछे से बहुत तेज भाग कर आएगा हमें मारने के लिए, लेकिन वो भी मारा जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमान एलिनी जी होते हैं ये हमारे टीममेट को नॉक कर देते हैं, और अब हम इनको मार देंगे। और अब हम इनको मारने के बाद में आते हैं सेल्डर के इस वाले कंपाउंड में, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही आदमी दिखता है। हम यहाँ पर आने के बाद में अपने नेट चेक करते हैं जो कि हमारे पास में होते हैं 5, और हम सोचते हैं इन भाई के घर में इतने सारे नेट फेंकेंगे, इतने सारे नेट फेंकेंगे कि भाई की हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन भाई की हालत पहले ही ख़राब हो जाती है और भाई नीचे कूद जाते हैं, और भाई हमारा सपना तोड़ देते हैं। लेकिन हम भाई से ज़्यादा ढीठ हैं और भाई को नेड़ से ही मारेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। और अब देखिए, और अब हम इसके बाद में आ जाते हैं सेल्टर के पास वाले कंपाउंड में, और हमें पहले यहाँ पे लगता है कि सिर्फ दो ही एनिमी हैं, लेकिन यहाँ पे दो स्क्वाड के दो दो एनिमी होते हैं। और अब हमारी मुलाकात होगी यहाँ पे सस्ते लेजिट से, और हम सस्ते लेजिट पे भी अपना सपना पूरा करेंगे नेड मार के। और सस्ते लेजिट को मारने के बाद में जो दूसरे टीम के दो एनिमी हैं वो भी हमसे मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें कि एक तो नॉक हो जाता है और एक भाई के पास जैसे हम मारते हैं तो हमारा मोबाइल ग्लिच हो जाता है, जिसके कारण वो मर नहीं पाता है। लेकिन वो भाई जो है प्रो बनता है और फ्लैंक लेकर के आएगा लेफ्ट साइड से, और हम अब उसको भी मारेंगे।
तो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं शेल्टर में, और शेल्टर में हमें दिखती है पहले एक एनिमी जिसके ऊपर में हम फेंकते हैं अपना प्यारा वाला ग्रेनेड। आपने पहले गाड़ी में से AWM, AR ये सब चलती हुई देखी होगी, लेकिन आज पहली बार देखी ग्रेनेड चलता हुआ। तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर में एक नहीं पूरी स्क्वाड सांप बनी हुई है, लेकिन हमारा जो ड्राइवर है वो ताड़ी पी के गाड़ी चला रहा है, इसलिए ऐसे ही उल्टी सीधी गाड़ियाँ चला रहा है और बंदों को कुचलता फिर रहा है। और अब आपको देखने को मिलेगा इस गेम का अस्वस्थ थामा जिसको हम लोग गाड़ी से मारेंगे। ये देखिए हमने इस भाई के ऊपर में गाड़ी चला दी, लेकिन भाई मरने का नाम नहीं लिया है। हमारा जो भाई है बहुत ही ज़्यादा लीट है, और अब आपको दिखेगा हमारा ग्रेनेड वाला सपना। और हम इधर में ग्रेनेड फेंकते हैं, और इसके बाद में चाहे तुक्केबाजी में सही, लेकिन बंदे को ग्रेनेड लग जाता है और एक और बंदा नॉक हो जाता है। और उसके बाद में हम जाते हैं फिर से और उसी अश्वत्थामा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अभी भी नहीं मरा है। हमारा अश्वत्थामा हद से ज़्यादा लीट है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा लीट है। हमें लग रहा है हमें गोलियाँ पड़ रही हैं, लेकिन हम फिर भी अश्वत्थामा को मारने में लगे हुए हैं। और अब हमें दोनों तरफ से गोलियां पड़ रही हैं, आगे से भी और पीछे से भी। अब पीछे से भी एक एनिमी आ चुका है जो कि अब ये मर गया है, और अब सिर्फ हमारे सामने एक स्क्वाड बची है जिसके सिर्फ एक ही बंदा बचा है, वो भी है हमारे सामने। और अब आप देख सकते हैं हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस का गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैक। ये हैक आपको सिर्फ हमारे ही पास मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा। और ये जो आखिरी बंदा है वो भी हमें दिख जाता है, और उसके ऊपर भी हम अपना ग्रेनेड का सपना पूरा करते हैं, और उसको भी ग्रेनेड से ही हम लोग मारते हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी तक भी देख रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके बाद में प्लीज़ आप हमारा आउट्रो ज़रूर देख के जाएँ जो कि हमने किसी दूसरे का ही चोरी करके लगाया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर पसंद आए तो यार लाइक कर दें।